ये टाइटेनिक है, ये डूब रहा है, ठीक है? हाँ। तेरी गुदगुदी होगी, गुदगुदी। ये तो पाजी फास्ट। मजामा का है टकर टकर देख रहा है दादा, तेरे नथनी में उंगली डाल के से पलटा के मारेगा तो का ऐसा सिद्धू जी पहचाना हमें? हाँ हाँ, तू कपिल है, लच्छे के रूप में आया हुआ है, क्या कर रहा है लच्छे के रूप में? अच्छा आप चार चार काम करते हो, हमने आपसे कभी पूछा? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, लच्छा के अंकल की चिट्ठी मेरे हाथ लग गई, रशिया से आ रहे हैं वो लोग, खेती बाड़ी में पैसा डालना चाहते हैं। अच्छा, बाकी आपको पता है ये खेती ये बाड़ी ये लाल लच्छा। पर वैसे धोती पहन के पता चला कि सरसराती हुई हवा क्या होती है। साहब जी धोती में मजे बाद में लेना, पहले ये कहूंगा उठाओ देखो कैसे मेरी पीठ गंदी कर रखी है इन्होंने। तो तू ऐसे करके खड़ा रहता, तेरे पेट में कुछ तो जाए। ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं। साहब जी आप अगर दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते, एक वक्त की इज्जत ही दे दिया करो इस गरीब को। मौत की खबर जैसा मुंह है इसका। तेरे मुंह पे इज्जत सूट करती है? आपको पता मोहल्ले में जाता ना, आपसे ज्यादा इज्जत है मेरी, लोग सलाम ठोकते हैं मुझे। लोग सलाम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ठोकते हैं। परसों भी ये सलाम की वजह से इसकी आंख सूजी हुई थी। बदतमीज। साहब जी मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग तरक्की के लिए गांव से शहर जाते हैं, आप उल्टा शहर से गांव आ रहे हो, ये उल्टे काम क्यों कर रहे हो आप? तेरी तरह पजामा तो नहीं उल्टा पहनता ना ऐसा बेवकूफ आदमी ना भाई, यहाँ पे भी नाड़ा बांधता है फिर पैरों पे भी नाड़े बांधता है ये। क्या करो भाई, सोते सोते मेरा पजामा उतार लेते हैं ये। कभी कभी तो पाजी मेरा दिल करता है मैं इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाकर सोऊं पजामे को मैं। अच्छा बुजुर्ग के कच्चे जैसा मुंह है इसका, हमेशा पजामे की बात कर रहा है, जा जा के अपने मुंह में देखकर काम कर जाके चल। साहब यार बातें हैं, देखो कितनी बना लिया आपने, घर को गांव बना लिया, खेती किस चीज की करोगे आप? हम अपने खेत में समोसे उगाएंगे, साथ में थोड़े से मंचूरियन भी उगा लेना फिर। समोसे उगाओगे, समोसों की भी कोई खेती होती है? तो आलू तो खेत में उगता है ना, तो करना क्या होता है, आलू को खाली वो मैदे का डायपर पहनाना होता तीनों तरफ से। अगर आपने मेरे साथ ऐसी बात की ना, सारा भांडा फोड़ दूंगा आपका मैं। तो तूने मेरा भांडा फोड़ा ना, तेरे भांडे पे ऐसी लात मारूंगा, भांडा लाल कर दूंगा, भांडा सीढ़ी लेके घूमता रहेगा। बकवास कर रहा है, भांडा ला, तेरा भांडा ऐसा लाल करूंगा ना, तेरे भांडे की भांडा सिटी बनके घूमना पूरी सिटी में। लाइट में तेरे को कितनी बार कहा आज मुझे साहब जी नहीं कहना, आज मैं लच्छा हूं, लच्छा हूं कौन मैं? कुछ भी नहीं हो आप, साहब जी हो। जब तक आप मुझे 50-50 का पार्टनर बनाते मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपको आपको साहब जी बोलूंगा मैं। 50-50 का पार्टनर बनना, नो प्रॉब्लम, ये ले तेरे 50। 50 रुपए हैं, 50-50 ओके। हट बे गोबर की स्मेल। क्या बोला बे? यार लच्छे को तो यही बोलते हैं हम। हाँ शाबाश शाबाश, लच्छा बोलना ठीक है। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है ये पूरी प्लानिंग जो है इसमें मैं अकेला पार्टनर हूँ। अब सारा पैसा मैं खाऊंगा इसके अंकल से लेके। मैंने अपनी फैमिली को भी समझा के रखा भाजी, पूरा मामला सेट करके रखा है, सब आज गांव वाले बन के आ रहे हैं। जुगाड़ जुगाड़। दादी तुझे शर्म नहीं आती, तू पी के आ गई है? तल्ली मदर इंडिया, गाना ही तो ये बज रहा था, पीना ही पड़ेगा है कि नहीं? लाइन ये थी कि जीना ही पड़ेगा, दुनिया में आया तो जीना पड़ेगा। अरे उसकी अगली लाइन नहीं सुनी तूने? जहर है
पीना ही पड़ेगा, वही पी रही थी मैं। दारू पी के हल चला रही है, ड्रिंक एंड ड्राइव केस के मैं अंदर पकड़ी जाएगी तू। तो अच्छा है ना? अच्छा, अंदर जाओगे कम से कम सिद्धू जी खाने को तो मिलेगा। ओ नहीं यार, मुझे नीट भी नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात है, अंदर जाने से पहले मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगी। हेल्प करने की टल्ली हो गया, इधर को पता भी है खेती बाड़ी क्या करते? अरे खेती हुआ, तुझे पता नहीं तेरे दद्दू को पहली बार खेत में तो मिली थी मैं। मैं लोटा लेकर जा रही थी, लोटा लेकर आ रहे थे, बाद में हम दोनों साथ में घर लौटे थे। क्या बताऊं, आज तू देखना खेतों में कैसे हल जोतती हूँ मैं। पटर कुछ करे, दारू पी के हल जोतेगी ना, फसलें भी झूमती हुई निकलेंगी, उल्टियां करेंगे हमारे गेहूं। अरे झूलती हुई फसलें तो इसके दद्दा उगाते थे सिद्धू जी, गन्नों के खेत थे, दो दिन में जवान हो जाते थे उनके गन्ने। गन्ने के खेत में, अरे क्या बताऊं, लोग तो उन्हें प्यार से राजेश गन्ना भी कहते थे। दारू पी गया, जैसे दारू पीने वालों का लीवर कमजोर होता है, दारू पीने वालों का हल भी कमजोर होता है। हल तोड़ दिया, अंदर नया हल पड़ा है। मेरी बात सुन, हम लोग गन्ने की खेती नहीं, हम लोग सरसों के साग की खेती करेंगे। क्या करेंगे? सरसों का साग? हाँ। अरे हमने तो परसों का साग खाया है। परसों क्या, बरसों का साग खाया है सिद्धू जी। हाँ जी। हमारे पड़ोस में एक नर्स रहती थी। हाँ। कभी कभी साग भेजा करती थी। हाँ। हमने तो नर्सों का भी साग खाया है। शहर आए, शहर आए, साग को देके तरस गए, हमने तो तरसों का भी साग खाया है। अरे हम बार हमारा साग फर्श पे गिर गया था, हमने फर्शों का भी साग खाया है। दादी देख, लच्छा के अंकल आने वाले, क्योंकि मेहमान और लूज मोशन बता के नहीं आते, फट से आ जाते हैं, तो अभी वो आने वाले हैं, फटाफट तू जाके अंदर। अच्छा अभी और मत पीना, तो काम खराब करेगी जा। और मेरा नाम लच्छा है, क्या है? अरे तू मुझे क्या बता रहा है, मैं कभी किसी का नाम नहीं भूलती। अच्छा सिद्धू साहब का पूरा नाम बताओ। इनका सिद्धू सिंह नवजोत। दादी देख, नाम ठीक है लेकिन तू थोड़ा इधर उधर कर दिया। ये भी कहा एक जगह टिक के रहते, ये भी तो उधर उधर होते रहते। होते ना, तू फिकर मत कर। तो एक काम कर, मेरा नाम क्या है बता। इतना अच्छा नाम है तेरा। कच्चा, वो तो तू पहनता नहीं है। सच्चा, बिल्कुल नहीं है। बच्चा, तो बड़ा हो गया है। जच्चा, वो तो हमारा डिपार्टमेंट है। लुच्चा। दादी बाद में याद करके बताती हूँ तेरा नाम क्या है। परी जो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। लेकिन आज जो होगा लच्छे के लिए होगा। अरे लच्छा, ए लच्छा कहाँ है, लच्छा लच्छा कहाँ है लच्छा? अरे अंकल आप आ गए। हाँ। अरे हमको नहीं पहचाने का, हमें तो लच्छा कितना दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं, आप तो कितना बदल गए। अरे बदल तो तुम गए हो रे, तुम जो फोटो भेज रहे उसमें काफी हेल्दी लग रहे थे। मतलब क्या आता, जिस दिन फोटो खींच रहे ना। हाँ। उसे हमने पराठे खाए थे, गोभी का पराठा खाया तो गैस हो गई, गैस हो गई, ऊपर से जीन्स पहने रही तो जीन में से हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो फोटो में थोड़ा हेल्दी लग रहे थे। ये बात हजम नहीं हुई। हजम तो पराठे भी नहीं हुए ना। आप अकेले आए रसिया से, आंटी कहाँ है? वो पेट से है। पर आप तो कहते थे आंटी पटना से है। आंटी तुम्हारी जहां से मर्जी हो, तो पहले ही बताओ कि तुम लच्छा ही हो ना।
हाँ हाँ बिल्कुल हम लच्छा है, ध्यान से देखिए, चुटिया मैच करके देखिए, अच्छे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए स्पार्क हो रहा है ना। आप बताओ लड़के, जाए जाए को बात होता हमको, अपने गांव के बारे में बताओ जरा। अरे बिंदिया कैसी है? बिंदिया बिंदिया बहुत अच्छी है, तो इसका बछड़ा हुआ है। बछड़ा? लेकिन बिंदिया तो बिरजू की बीवी है ना। हाँ तो बछड़ा कहाँ से है? तो बेटवा हुआ है, उसका नाम बछड़ा रखे है। अच्छा नाम है बछड़ा तो बहुत। और मुन्ना, मुन्ना अब तो बड़ा हो गया। मुन्ना तो बहुत बड़ा, मुन्ना तो इतना बड़ा हो गया मुन्ना। इतना बड़ा कैसे हो सकता है मुन्ना? मुन्ना तो मुर्गा है। तो दूसरा हाथ तो रखना दीजिए, अभी रखा कहाँ, इतना हो गया। अच्छा छोड़िए उसको, आप वो खेती बाड़ी में चैरिटी करना चाहते थे तो साइन करिए ना हमारे। अरे साइन बाद में करेंगे, इतने सालों के बाद गांव आए हैं, चलो गांव खेत घूम के आ रहे हैं। अरे खेत का खुशबू लिए कितने साल हो गया, अरे आपको पता है कितना बढ़िया खुशबू होता है। अच्छा खुशबू चाहिए? हाँ। तो शाम को चलिएगा। कहे शाम को? कहे सुबह सुबह जो आता है वो खुशबू नहीं है, वो तो दिमाग खराब करता है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, वो बसंती नाम की वो भैंस रही हूँ कहाँ है? अरे वो है ना, वो तो 5 लीटर दूध देती है दबा के। 5 लीटर? हाँ। तो पहले तो 40-40 लीटर देती रही। तो क्या प्याज महंगे हो गए ना? तो प्याज का और दूध का क्या लेना देना? अब भैंस बुद्धि कौन समझाए उसको। एक बात बताओ, ये बैल इतना छोटा कैसे रह गया? का बताए, मशरूम खाता है ना बहुत। तो मशरूम का हाइट का लेना देना है? बैल बुद्धि कौन समझाए इसको। अच्छा अच्छा बिरजू का बताओ, बिरजू कैसा है? बिरजू कैसा? बिरजू का कैसा है? बसंती कैसी है? बिजुरिया कैसी है? बिरजू कैसा है? हमारे बारे में पूछा, हम कैसा है? खाली हाथ आ गए रसिया से, ऊपर से सवाल पूछ पूछ के हमारे दिमाग का रसिया कर रखा है। अरे खाली हाथ नहीं आया है, हम रसिया से लेकर आएगा। अरे रोची आओ बाहर, आ देखो तुम एकदम आंखियां खुली रह जाएगी। तो रसियन है? हाँ रसियन है। काहे की रसियन है? पूरा रसिया तो कवर करके रखा है। अरे ये हमारी सेक्रेटरी है, इसको हिंदुस्तान देखना था तो हमारे साथ घूमने आ गया है। आप हमें इंडिया दिखाएंगे? आप हमें थोड़ा रसिया दिखाइए, हम आपको थोड़ा इंडिया दिखाएंगे। ये क्या है? क्या है? हमारा नमस्ते करने का स्टाइल है, आइए नमस्ते, एक एक और नमस्ते हो जाए। अच्छा एक एक कप नमस्ते हो जाए। देखिए हम राशि से है लेकिन संस्कार हमें इंडिया की पसंद है। देखिए वाह, हम इंडिया से है पर संस्कार हमें रसिया के पसंद है। तुम मुद्दे से भटक रहे हो। काय मुद्दे से भटक रहे हो? ऐसा मुद्दा कोई लाता है रसिया से का? अरे लाए हैं तुमने लिए, हम गिफ्ट भी लाए हैं, काय इतना हड़बड़ा रहे हो? ये देखो ये टॉर्च है, ऑटोमेटिक टॉर्च है, ये जब बत्ती चला जाता है ना तो टॉर्च अपने आप ऑन हो जाता है। अरे वाह, रसिया में बत्ती चला जाता है टॉर्च अपने आप ऑन हो जाता है। हाँ। इधर बत्ती जाता है पूरा मोहल्ला ऑन हो जाता है। अरे काहे हाथ मुंह धो ले, तो पैदाइशी ड्राई क्लीन होकर आई है।
अच्छा बात तो करिए हमारे साथ। अच्छा आजकल क्या चल रहा है इंडिया में? आजकल ट्रेलर चल रहा है किस किस को प्यार करूं। पच्चीस सितंबर चार हीरोइन दो ही डायरेक्टर अब्बास मस्तान। आइए आपको फिल्म दिखाते हैं। अरे नहीं 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 हमको तो इंडिया देखना है। आए इंडिया पूरा इंडिया वही फिल्म देखने जा रहा है। अच्छा पूरा इंडिया उधर ही मिलेगा आपको। अरे इंडिया मिलेगा वहाँ बाद में देख लेंगे इंडिया का। तुम जाओ जाके अंदर नहा लो जाओ। तुम आओ अपने आप चले जाएगी। जाओ बाथरूम नहीं दिखाएंगे का? अरे बाथरूम अपने आप ढूंढ लेगी। बीच में नहा ली तो? अरे बीच में कहाँ है यहाँ से? बीच कुआं है। बहुत होशियार है। पूरा गाँव इकट्ठा हो जाएगा समझ नहीं रहे। अरे कोनो बात नहीं यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और सुनो गुड्डू के पापा। ओ गुड्डू के पापा। अरे एक मिनट गुड्डू का पापा तुम तो कह रहे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हमारी बीवी नहीं है। तो गुड्डू का पापा कहाँ बोल रहे हैं? गुड्डू हमारा बेटा है। तुम्हारी शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से है? बेटा बकरी का है तो वो हमका बाप मानता है। तो बकरी का हस्बैंड हो तुम? ना बकरी हमें हस्बैंड नहीं मानती। तो ये किसकी वाइफ है? ये बकरे की वाइफ है। जो दिमाग मारे वो बकरे हैं। सोचने का टाइम तो दे। पूछे पे पूछे जा रहा है। अरे एक मिनट सुनिए बात सुनिए। यहाँ हेलो बचपन में कोनो हादसा हुआ था का? नहीं तो काहे पूछ रहे? ये जो आपका होठ है एकदम वी नेक जैसा बना के काहे रखा? हमने होठ के बारे में कुछ बात कहिए वरना तोड़े पैंट में ना हम मेंढक डालिंग में फुदक फुदक के जाओगे घर वापस। कोने में आइए हम आपसे बात कर रहे हैं। जो बतिया ना सबके सामने बतियाओ। तो ऐसा है आपके पिताजी ने कच्छा नहीं पहना और पजामा उनके पास था नहीं ऐसे ही निकल गए। सुन लिया शर्मा जी कौन है? कितनी बार खाना मेरे को लच्छा हूँ मैं। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा बाबा नहीं लच्छा बाबा। अच्छा लच्छा बाबा। हाँ क्या हुआ? मेरा पूरा चलिए बहुत हो गया। गांव का घूमना खुशबू वुशबू सब ऐसा करा दिया एकदम। साइन करिएगा। लाओ कहा साइन कर रहा है तो पेन बा हमारे पास लेकिन वो मेंढक डाल देंगे बोल रहे हैं। अरे रुक जाइए। जब तक साइन करने को ना कहा जाए कमीज में खड़े रहिए। अरे ये कौन है लच्छा? अरे कौन है तू? अरे कौन है का? हम लच्छा है। अरे कहा का लच्छा? लच्छा तो हम हो। अरे हम लच्छा है लुच्चा है लुच्चा के एक नंबर के तुच्चा है। अरे क्या आपको शर्म नहीं आती इस तरह हमें कॉपी करते हुए? अरे एक मिनट कौन हो तुम? अरे अंकिल। अंकिल क्या कर रहे आप? अंकिल हम हैं लच्छा। अरे बचपन में आपकी गोद में खेले आए। लो ये टंकिल अंकिल की गोद में खेले रहे। ये गोद में खेले रहे। अबे गोदाम में जाके खेलो और जाके काहे झूठ बोल रहे हैं हमारा लच्छा। अरे रुके 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 एक बात तो समझ में आई। आप हमें कॉपी तो कर लेंगे लेकिन हमारे शरीर में से गोबर की जो खुशबू आती है वो कहाँ से लाएंगे हम? अंकिल लीजिए हम आपके सामने खड़े स्मेल मी। आता अंकल का स्मेल करेंगे? अंकल कुत्ता है का? एक मिनट जल्दी बताओ तुम लोगों में से लच्छा कौन है? तो हम पुलिस बुला लेंगे। ऐसा कैसे पुलिस बुला लेंगे? अंकल पुलिस बुला नहीं सकते। आंटी पुलिस बुलाती है। तो गाना नहीं सुना क्या? आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी पुलिस बुला। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जिसके घर में आंटी नहीं हो पुलिस नहीं बुला सकता है? नहीं बुला सकते हैं ना? हम बुला लेंगे। तुम दोनों में से लच्छा कौन है जल्दी बताओ। हम बता रहे हैं हमारा लच्छा। अरे हम लच्छा है। अरे हमारा लच्छा। अरे हम हैं लच्छा। अरे अंकिल ठीक से याद कीजिए हम बचपन में आपकी पैंट में सुसु भी किए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक आदमी दूसरे आदमी की पैंट में सुसु कैसे कर सकता है? अरे तब हम बहुत छोटे थे। ए बात छोटा आदमी इतना बड़े आदमी की पैंट पे कैसे सुसु कर सकता है? अरे तब किए थे जब ये हमें अपनी गोद में उठाए थे। अरे वाह मतलब तुमको अंकल बच्चा उठाने वाला आदमी लगता है। रुकिए 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 अब हम साबित कर देंगे कि हम ही लच्छा है। अब हम आपको दिखाएंगे लच्छा की ट्रेडमार्क स्टाइल यानी कि लच्छा का वर्ल्ड फेमस स्माइल। आर यू रेडी? वन टू थ्री। नहीं 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 हम जब लच्छा को देख रहे तो उसके दांत नहीं रहे। हाँ वही तो हम बता रहे हैं। अब हम दिखाते बिना दांत वाली स्माइल।
1, 2, 3. अरे याद कीजिए अंकिल, हम बचपन में आपको काम वाली बाइक के साथ पकड़े भी थे। झूठा है, झूठा ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। तो पहले से कह रहा झूठा मकान देशद्रोही कहीं का, इसको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। काला धन देश में लाओ, इसको बाहर दे दो। तुम्हें हमारे लच्छा है, तुम्हें लच्छा है। हमें लच्छा तो बोल रहे हैं, तो फिर करिए ना साइन कर देंगे। रुका तुम बैठ, हट हट। झूठा है, बहुत झूठा मकान झूठ बोल रहा है। साइन कर दिए। हेलो हाँ, बहुत बहुत भैया, 50 लाख रुपया हमारे खेतों के नाम हो गया। अरे लेकिन पैसा तो तुम हमको दोगे ना? हम काहे देंगे? अरे तो हम वो अंग्रेजी के लेटर में साफ साफ लिखे रहे कि ड्यू टू माय बैड हैबिट्स आई हैव लॉस्ट ऑल मनी, आई नीड चैरिटी। हाँ तो चैरिटी लिखे रहे ना? हाँ। तो चैरिटी तो लेते हैं ना? ना कभी कभी चैरिटी देते भी है ना। मत बोल कि तुम पैसा हमको दोगे। दो एक मिनट। कि अंग्रेजी में चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? ओए तुम्हारी आवाज काहे बदल गई? आवाज को गोली मार, वो मुद्दा छोड़ दो अभी, तो बंद करो बकवास, बंद करो। तो अंग्रेजी में चिट्ठी काहे लिखी थी? काहे अंग्रेजी आती है तो लिखा, तुमको ना अंग्रेजी आती है? खड़काएगा क्या हुआ? अच्छा तेरा अंकल इतना कंगाल है, तुमने बताया नहीं मेरे को। किससे बात कर रहे हैं? लच्छा तो आप है। कौन है लच्छा? मैं हूं लच्छा, क्या बिगाड़ देगा बे? ना तो पैसा दो। रुको अभी। हाँ। दादी तेरे पे लेडीज छोड़ूंगा अपने घर की। लेडीज मंजू क्या हुआ? पैसे हाँ। मिल गए? पैसा ना, पैसा मिल गए? पैसे 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 मिले नहीं है, छीनने पड़ेंगे पैसे। इसके पैसे छीनने पड़ेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अंकिल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाँ। अंकिल को सबसे पहला थप्पड़ हम मारेंगे। अरे कुछ लच्छा, हम तुम्हारे अंकल है, क्या बात कर रहे हो? अरे काई के अंकिल कुछ दिए आज तक हमें? नहीं दिया तो? लेकिन आज देना पड़ेगा। इनके सारे पैसे छीन लो और रसीद भी। आप सबका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। पाजी आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है, T20, वनडे या टेस्ट? T20? वो क्यों? क्योंकि देखो धीरे धीरे वाला काम नहीं होना चाहिए आजकल। श्याओ चट मंगनी पट गया। पाजी लेकिन मुझे फॉर्मेट कोई भी हो, हाँ। मुझे मजा आता है जब हमारे इंडियन टीम के बैट्समैन जो हैं, हाँ। थड़ा थड़ पिटाई करते हैं ना दूसरे वाले बॉलर्स की, फिर बड़ा मजा आता है, मन को तसल्ली होती है मैच, हाँ। देख के श्रीकांत टाइप बिल्कुल बस ठोको। सो ऐसे ही एक धुरंधर जो है उनको आज हम यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। ऑलराउंडर और खतरनाक दोस्त। यार मैं ना जब कोई क्रिकेटर आता ना तो घबरा जाता हूं। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर आते ऐसे धांसू हैं कि सागर को गागर में डालूं कैसे, मेरी भी शायरी खत्म हो जाती है। कसम से बोल रहा हूं तेरे। कसम से कह रहा हूं। पर जब हम लोग क्रिस गेल को देखते हैं ना, हाँ, तो देखते हैं उनके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये बंदा शॉट मारेगा तो सिक्सर ही मारेगा। जब हम सुरेश को देखते हैं तो इतना इनोसेंट फेस, ऐसे लगता है कि ये शॉट मारेंगे तो मेरे ख्याल से फील्डिंग भी खुद ही करके दे देंगे। ले भाई मैंने मारा है। लेकिन फर्क है, सिद्धू को हाथ लगाओ लगता है यार ठंडक सी पड़ गई, इसको हाथ लगाओ करंट मारता है। 240 वोल्ट का करंट है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तगड़ा फील्डर अजहरुद्दीन के बाद अगर देखा है तो रायना। अरे क्या बात है।
लेकिन ये भोला भाला दिखने वाला प्राणी जो है ये सबसे खतरनाक प्लेयर है। आईपीएल में 3000 स्कोर बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी है। साथ ही साथ आईपीएल में 100 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है। इन्होंने आईपीएल चैंपियन लीग और T20 में हर जगह सेंचुरियां ठोकी है। इतना ही नहीं, इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा कैच यानी कि 52 कैचेस पकड़े हैं। सुरेश भाई नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स, बड़ी तगड़ी किताब पढ़ गए। टीम के लिए खेलते हैं कि गिनीज बुक के लिए खेलते हैं? नहीं, जब खेलते हैं तो बिल्कुल अंदर से जोश रहता है। जैसे सिद्धू पाजी ने बोला कि जब देश के लिए खेलते हैं या किसी क्लब के लिए खेलते हैं तो स्टार्ट करते हैं, मोमेंटम बन जाता है वो। तो कुछ लोग देखने से खतरनाक लगते हैं, कुछ लोग सुमड़ी में घूमड़ी बन के अपना काम करते हैं। देखो सुरेश जो है, बड़े ही छोटे से कस्बा एक मुरादनगर, दिल्ली से अगर आप यूपी की तरफ बस में जाओ तो मुरादनगर एक कस्बा आता है, और वो इतनी छोटी जगह कि वहां बस भी नहीं रुकती है। ओ, या उससे एक स्टॉप पहले रुकती है या आगे जाके मेरठ में रुकती है। जी जी। वहां पे रुकना हो तो आपको बहाना लगाना पड़ता है, भाई साहब उल्टी आई तो रुकेंगे। आपसे बातें चलती रहेंगी, प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा सचिन सर हमारे शो में अभी तक आए नहीं है, लेकिन क्रिकेट की अगर बात चले तो सचिन तेंदुलकर का जिक्र ना हो मेरे ख्याल से वो बात अधूरी है। अच्छा उनके और क्या क्या शौक है? मैंने सुना वो म्यूजिक काफी सुनते हैं वहाँ पे। वो किशोर कुमार के काफी सारे गाने पसंद हैं। अच्छा। और बपीदा के, रफी साहब के, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम का माहौल बनता था तो उनका गाना कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा। जब तक वो पैड पहन के बैठे और जब वो बैटिंग करने जा रहे और जब उन्होंने अपना गाना लगाया तो 100 रन तो बनना ही है। तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सॉन्ग है कोई? कौन सा सॉन्ग है वो जो अक्सर लगाते हैं वो? नहीं, किशोर कुमार के सारे गाने। अच्छा। और उसके बाद बपीदा सर के गाना था, कौन सा गाना? याद आ रही है, याद आ रही, ये वाला? नहीं नहीं, वो थोड़ा, हाँ, अच्छा, याद आ रहा वो वाला। अच्छा तो सचिन सर तो शादीशुदा है। अच्छा भाभी की याद आती होगी मेबी। ऐसे नहीं देखना, वो क्रिकेट के गॉड है वो। सचिन सर के लिए एक बार ताली बजा दो। अच्छा सुरेश, मुरादनगर से निकल के दिल्ली आना, वहां पे खेला आपने, दिल्ली के बाद मुंबई आए होंगे आप, फिर उसके बाद जब आपने पहला फॉरेन ट्रिप लिया उस समय कितना मजा आया आपको देख के? पहली बार फ्लाइट में बैठना और नेशनल टीम के लिए, अपनी इंडियन टीम के लिए जा रहे हैं, तो कैसा? नहीं, अच्छा था। और पहले तो यूपी रोडवेज की बसों में ही धक्के खाते थे जी। बड़ा मुश्किल होता था। और सबसे बड़ा था कि आप जब हॉस्टल से किट बैग लेके आते थे तो जितनी मोहल्ले की आंटियां थी पूछती थी, बेटा क्या बेच रहे हो? उनको काफी बड़ा सा बैग होता है, उसमें बैग पूरा हेलमेट सब रखना होता है। तो सब तीन चार औरतें आगे पूछती, पक्का ये साड़ी या सूट वाला कोई लग रहा है इसके पास? कुछ ना कुछ है। कभी फ्लाइट नहीं देखी थी, कभी ट्रेन में भी जाते थे जनरल डिब्बे में तो पेपर बिछा के सो रहे हैं, टिकट भी नहीं होता था कभी कभी। लेकिन फिर जब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम पूरी टीम थी हमारी अंडर 19 की 2002 में, तो जब हम लोग फ्लाइट में बैठे तो लगा कि थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अच्छी फीलिंग। लेकिन तीन चार लड़के जब बैठे थे उन्होंने पूछा कि बाथरूम कहाँ है? तो किसी ने बोला कि उधर है, जो लोग पहले ऑलरेडी बैठे थे जिनके पापा थोड़े अमीर थे, बच्चों को सब लेके जाते थे, हम बुग्गी के पीछे जा रहे, कभी झोटे के पीछे जा रहे, वो ऐसे करके खेलते थे तो पता ही ना। तो फिर एक ने तो उसके बाद फिर उसने पूछा कि टॉयलेट उधर है, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे एक नंबर नहीं दो नंबर करना है। तो मैंने कहा हाँ उधर ही है सब, बात कर रहे। नहीं वो तो नीचे चले जाएगी फ्लाइट के नीचे। काफी सारे लोग ऐसे बैठे रहे, नहीं जाना नहीं जाना। आपकी जो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है इसमें सभी प्लेयर्स तकरीबन सब स्टाइलिश हैं। हाँ। जैसे धोनी का और विराट का हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर रहता है, सुरेश का भी पूरा स्पाइकी देखो आप। हाँ। जेल वेल लगा के पूरा मैदान में जाते हैं। हाँ। अच्छा आपको नहीं लगता कि आपकी लुक्स जो है बहुत आप हैंडसम है, आपकी लुक्स के हिसाब से सुरेश नाम थोड़ा पुराना लगता है? नहीं, मेरे घर में सबके नाम ऐसे। कैसे? मुकेश, राकेश, नरेश, दिनेश, सुरेश। और पाजी मम्मी का नाम है प्रवेश।
गृह प्रवेश मतलब फैमिली को राइमिंग करना काफी अच्छा लगता है. राइमिंग में टाइमिंग अच्छी. वैसे तो कपिल भी बड़ा पुराना नाम भाजी. हाँ. कपिल देव साहब ने वर्ल्ड कप जिता के ना ये इसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया. वैसे धोनी का भी देख लो, धोनी ने धोनी ज्यादा फेमस करवा दिया. हाँ. तो महेंद्र तो उसका भी 400 साल पुराना है. अरे टीम में सबसे ज्यादा लड़कियों को कौन ताड़ता है? ऐसे ही सभी ताड़ते. इसे कहते हैं टीम वर्क. लड़कियों में क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, 3 है 4 है, 11 के 11 ताकेंगे. वेरी गुड. सबसे परफॉर्मेंस होता है भाजी वो. अच्छा. अगर किसी ने रन बनाया तो उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा है तो फिर दूसरे वाले को जोश मिलता है. ओके. अगर आप उस चीज को पॉजिटिव ले लो, 100 बनाया 5 विकेट लिया, फिर वो जा सकता है. अभी देखा कल वो 5 विकेट के पास थी, बात कर रही है ऐसे करके ऑटोग्राफ. आज 100 बनाए, आज तो बात करेगी करेगी. और जो इतना देश के लिए मेहनत करते हैं, मैदान में इतनी इतनी देर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई थोड़ा इधर उधर देख के एंजॉय कर भी लेता तो क्या है? बुरा था. 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 अब तो शादी अभी. पर वैसे कई कई बार ऐसे अपने टीम में ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जो होते बेचारे अच्छे हैं दिल के, पर ये होता है कि किसी को भी दिल दे बैठते हैं. हाँ. कोई भी खूबसूरत लगे सबसे प्यार करना है भाई, एक आंख से देखना है. ऐसा भी अपनी टीम में कोई है? तब बार बार उधर क्यों देख रहे हो? यार हद हो गई. मैं आपको बताऊं, पाजी की पैनी नजर इतनी है ना, धार्मिक है पूरे ऐसे, पर 20,000 के स्टेडियम में से, क्राउड में से आपको ढूंढ के बता देंगे पहले नंबर वाली कौन सी ज्यादा खूबसूरत है, दूसरे वाली 1 to 10 आपको पूरा सीरियल नंबर बता देंगे. इतनी पहली नजर. इसको इसलिए पता है क्योंकि ये मुझसे ही पूछने आता है. अच्छा सुरेश जो है खुद क्रिकेटर है, इनकी वाइफ को हमने ऐसा सुना है कि उनको फुटबॉल देखना बहुत पसंद है. तो जब आपका मैच नहीं होता, किसी दूसरी टीम का चल रहा है क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच भी आ रहा है, तो फिर चैनल कौन सा चलता है? फुटबॉल. 2 TV लगा ली भाजी अभी. तो वो सॉकर देखती है, उसको हॉकी बहुत पसंद है. ओके. और जो बैडमिंटन है वो सब देख. क्रिकेट कभी हॉलैंड कंट्री में हुआ नहीं हो, तो जब मैं उससे मिला भी तो उस टाइम इतना क्रिकेट का वो नहीं था उसको. उसने मुझे पूछा आप करते क्या हो? अच्छा. उसको पता नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ. उसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, फुटबॉल देखती है. हम लोग बीच में बार्सिलोना में हमने मैसी को देखा लाइव. Okay. तो वो एकदम, मैंने कहा मैं भी मैसी में. अब वक्त है एक ऐसे मेहमान को इनवाइट करने का जिन्होंने हमारे देश का नाम रेसलिंग में जो है वो बहुत ही ऊंचा किया है. प्लीज आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा. धन्यवाद भाई साहब. कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत मजे में हूँ, अच्छा हूँ. सुशील के बारे में आप सब जानते हैं, बिकॉज आज ये दो धुरंधर हमारे शो में आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है. इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. और ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में बैक टू बैक 2 बार, एक बार ब्रॉन्ज मेडल और एक बार सिल्वर मेडल लेके हमारे देश का कहते हैं जिंदगी के दंगल में सैकड़ों तूफान है, और जो तूफानों को भी रोक दे इतनी इस बंदे में जान है. वाह. ऐसे योद्धा के सामने सर झुकाता है नवजोत सिंह सिद्धू, ये लहराते हुए तिरंगे की आन बान और शान. वाह. आइए सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद. अच्छा सुशील के बारे में एक बात, बड़े लोग कहते हैं कि सुशील हरियाणा से हैं या दिल्ली से हैं, बड़े लोग. सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ ये हमारे देश के हैं, ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो आप कहीं से भी हो. लेकिन मैं चाहता हूँ पाजी आप लोगों को क्लियर करो, आप बेसिकली हरियाणा से हो कि दिल्ली से हो? जैसे आपने पूछ लिया एकदम से कि कहाँ से हो, तो मैं एकदम सबसे यही बोल देता हूँ कि हरियाणा से, मगर मैं बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ. और नजफगढ़ के पास मेरा एक छोटा सा गांव है, गांव बापरोला. ओके. तो मैं बिल्कुल छोटे से गांव से हूँ. ओके, क्या बात है, छोटे से गांव से इतना बड़ा टैलेंट और इतनी. इनका नाम सुशील है, काम इनके उल्टे हैं. लोग कहते हैं लड़का क्या करता है, बड़ा सुशील है, करता क्या, बस लोगों को उठा उठा के पटकता है. अच्छा सुशील आप जब
अभी तो आप इतना विदेशों में जाते हो। नहीं बिल्कुल सुशील है, इसमें कोई शक नहीं है। कुश्ती में उठा उठा के पटकता हूँ क्योंकि काम है मेरा, और वहाँ नहीं पटकूंगा तो मेरे को ही मारेगा, तो वहाँ तो मारना पड़ेगा। सुशील जब मैं सुरेश से पहली बार यही बात कर रहा था, क्योंकि सुरेश भी एक छोटी सी जगह से उठ के आज उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम बनाया। आप जब पहली बार कुश्ती खेलने के लिए बाहर गए, कोई परेशानी आई आपको? नहीं, परेशानी कुछ नहीं आई, बस ये था कि इंटरनेशनल होना है और विदेश में जाना है फ्लाइट में बैठ के, तो ये था। और रात को गए थे, छोटे बच्चे थे, 45 किलो का था जब मैं पहली बार अंडर 17 में मैं वर्ल्ड कैडेट के लिए गया था। पहली बार कहाँ पे गए थे खेलने? मैं मैनचेस्टर इंग्लैंड में मैं पहली बार गया था। और वो फ्लाइट में आजकल वो होता है ना, गैलरी होती है, तो ये बहुत चाहता कि फ्लाइट देखनी भी कैसी, जहाज कैसा होता है, तो ये ही नहीं पता लगा कि फ्लाइट में कब घुस गए, कब जाके बैठ गए, कब फ्लाइट उठ गई। सुबह जब उठे ना, जब पता लगा कि भाई इंग्लैंड में आ गए हो आप, तो अच्छा हाँ, तो और आप उतर जाओ तो एरोब्रिज से घुसे पता नहीं चला। फिर वैसे ही निकाल दिया उससे गैलरी से बाहर, तो मगर यार जहाज के तो मजे ले ही नहीं पाए। आपकी विदेशी फैंस भी बनी कुछ, गोरियां भी? नहीं, वो नहीं बन पाई। वो इसलिए नहीं बन पाई, बताता हूँ उसके लिए भी सर, मैं बताता हूँ क्यों। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। और जो मेरा परिवार है बड़ा मध्यम परिवार है, और आप समझ सकते हो कि ड्राइवर है और घर में फिर कैसी स्थिति रहती है, 3 भाई और हैं, उनको भी देखना है, पूरे परिवार को देखना है, तो कभी गोरियों की तरफ ध्यान गया नहीं मेरे का। एक ही टारगेट था कि भाई अच्छा रेसलर बनना है बस। क्या बात है, क्योंकि अच्छा रेसलर नहीं बनता तो मेरा परिवार पीछे खराब हो जाता। अरे वाह, तो वो एक जिम्मेवारी था, तो इसलिए ज्यादा फोकस मेरा रेसलिंग पे ही रहा, कहीं गोरियों पे ध्यान नहीं रहा। नहीं, उनका भी नहीं है, उनको ऐसे आती है कि भाई आपका है लेकिन मेरा नहीं है, उनका भी नहीं है। वो भी बहुत शरीफ सीधा आदमी है। और सुशील भाई इतने अच्छे इंसान भी है, और बहुत अच्छे इनका जो प्रवृत्ति है बच्चों के लिए, जैसे बोला कि एक अभी इन्होंने अच्छी एकेडमी बना रहे हैं, और जो गांव-गांव के बच्चे हैं सारे के सारे जोश में कि गोल्ड मेडल लाना है, तो वो इनका इंस्पिरेशन है सारे बच्चे को। और अब वैसे नहीं बता रहा रैना भाई मैं कि गोल्ड मेडल लाना है, अब मैं दिखा भी देता हूँ कैसा है लाना भी। मतलब बहुत जबरदस्त, गोल्ड मेडल बहुत जबरदस्त तरीके से। अच्छा, आप सबको पता है कि सिमिलरिटीज काफी हैं, दोनों छोटे शहर से आए, इंटरनेशनल स्तर पे नाम बनाया। रैना की शादी हाल ही में अभी हुई है, सुशील की शादी को तकरीबन 4.5 साल हो गए जी। जब इन्होंने शादी की, पहले जब मेडल लेके आए ओलंपिक्स में, ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, उसके बाद शादी की तो सिल्वर मेडल लेके आए, अभी हाल ही में इनके ट्विंस हुए हैं, तो इसके बाद हम गोल्ड पक्का समझे जी, बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि 2000 कॉमनवेल्थ 10 के बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद रैना भाई लेडीज लक चला हुआ है जी, बिल्कुल, तो आपका भी चलेगा बिल्कुल, क्योंकि रैना भाई की जब भी शादी हुई है तो लेडीज लक चला हुआ है, चल रहा है। और उसके बाद हमने रिपीट किया मेडल, ब्राउन से सिल्वर हुआ है जी, जी। तो मालिक वर्ल्ड चैंपियन आपको भी बनाएगा, वर्ल्ड कप आपको दिलवाएगा, आपको भी बनाएगा, देश के लिए मेडल लेके आएंगे। सुरेश रैना और सुशील कुमार में एक सिमिलरिटी और भी है कि इनके जो फादर इन लॉ है, जो इनके ससुर हैं, उन्होंने भी अपने फादर इन लॉ साहब से कोचिंग ली जी, और सुशील के केस में भी सेम ही है। तो आप लोगों ने अपना काम इतनी ईमानदारी से किया कि उनको आप पे इतना भरोसा हो गया कि बेटी का हाथ हाथ में दे दिया। मतलब बेस्ट शागिर्द तो होंगे आप। जब कोई गुरु इस लायक समझता है कि भाई अपनी लड़की को, अपनी लड़की को, तो कपिल भाई हम भी, हमारे भी कोई लड़की होगी तो हम भी तो अपनी लड़की को सही जगह देना चाहेंगे। बिल्कुल, तो भाग्यशाली हैं हम। अच्छा, खाड़े में लड़ते लड़ते ये भी डर तो नहीं रहता किसी का लंगोटना हाथ में आ जाए यार, पता गर्मा गर्मी रहती है। वो ट्रेड चला गया, वो सब मिट्टी में होता था पहले। हाँ, मिट्टी अब में। मैट पे तो कस्टम वगैरह है, तो पूरी सिक्योरिटी है। तो आपने तो पूरी सिक्योरिटी है, कुछ हाथ नहीं लगेगा, आप आराम से खेल सकते हो। अच्छा। वो चिंता छोड़ दो। मैंने आपके बारे में एक बात सुनी सुशील, क्योंकि जब आप गए बाहर मैच के लिए, अपने कुश्ती के मैच के लिए, तो आपने देश का झंडा अपने हाथ में पकड़ा, तो कोई आपको कुछ अलग अलग चीज बोल गया था आपके कान में। अंधविश्वास की बातें होती है ना कई बार, ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों को प्रेशर रहता है कि यार जो चीज सेट चल रही, अच्छा मैंने पहला दाया पैर आगे किया तो अभी दाया ही करूंगा। हाँ। होता ना कई बार सुपरस्टिशन जी। 2012 में बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि
ओलंपिक में मेरे को कैप्टन बनाया पूरी टीम का. अच्छा. सबीना भी इन्होंने, विजेंदर ने, पता नहीं किस कारणों से मेरे को बोल दिया कि नहीं सुशील पकड़ेगा झंडा आपकी बार. तो मैं बड़ा खुश था कि यार देश का नेतृत्व कर रहा हूँ और पूरा वर्ल्ड देखेगा तो भाई इंडिया का झंडा किसने पकड़ा, भाई सुशील ने पकड़ा. तो मैं अपने आप को बहुत बहुत खुश था. मैं मार्चिंग हुई हमारी, मैं आगे आगे तड़के चला हुआ पूरा खुश. और जैसे ही वो मार्चिंग खत्म हुई तो मैं बाहर निकल रहा था तो एक मीडिया से, एक हमारे बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को, और मैंने उनके पैर छुए. वो पहले तो मेरे को ढूंढ रहे थे, मैं तेरे को ढूंढ रहा था बहुत देर से. माँ जी क्या हुआ, या झंडा क्यों पकड़ लिया तुमने? अरे मगर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, अब आप मीडिया में हो गए ऐसी बात कर रहे हो. तो बोला यार जिसने भी झंडा पकड़ा है ना वो दोबारा मेडल नहीं ले पाया. तो अनुमति लगा दी. माँ जी ये बात तो पहले बता नहीं दिया आपने. तो मैं फिर उसके बाद मेरे को बेलारूस जाना था ट्रेनिंग के लिए. 10 दिन 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी तो बेलारूस में थी. तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ और मेरा थोड़ा सा अलग ही मजे से रहता हूँ. मैं ट्रेनिंग करके बहुत खुश रहता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ ट्रेनिंग को. मैं ट्रेनिंग करूँ और चुपचाप मैं जाके रूम में लेट जाऊँ. तो ये बोले कोई परेशानी है, मेरे ओलंपिक से पहले मेरे हाथ में चोट लग गई थी और पतला पड़ गया था मेरा हाथ. अच्छा. तो बोले हाथ तो ठीक है ना, तो सब इनको टेंशन क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है तो सबको ये टेंशन की अच्छी परफॉर्मेंस देनी. तो मैं वो बात ना बताऊं किसी को भी, झंडे वाली बात ही ना बताऊं, मगर अंकल ने ये बोल रखा कान में. तो वो 15 दिन फिर निकल गए जैसे तैसे करके. फिर हम लंदन चले गए टूर्नामेंट के लिए और लास्ट में मेरी कुश्ती थी. उसी दिन ओलंपिक खत्म होना था और क्लोजिंग होनी थी. तो मालिक ने बड़ी सुनी, देशवासियों का बड़ा आशीर्वाद रहा, माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा कि वो मेडल भी रिपीट हुआ और रंग भी बदल गया मेडल का. अच्छा, ब्राउन से सिल्वर हो गया. सिल्वर हो गया. और मैं अंकल को ढूंढ रहा फिर. और मैं अंकल को ढूंढ रहा मगा अंकल जी, मेरे पैर छुए अंकल जी, मगा अंकल जी एक तो बोलो मतलब सुनो मेरी अब तो मगा ये बात एक तो किसी को बोलना मतलब, एक तो वो टूट गया कि भाई मेडल नहीं आता. हाँ. मेडल भी आ गया है झंडा पकड़ने से, और ये बात किसी को मत बोलना. मैं तो जैसे कैसे करके जेल गया इसको, मेरा ही मन पता है कैसे, मगर ये किसी को मत बोलना. सुरेश रैना और सुशील कुमार, इन दोनों ने साबित कर दिया है कि आप कहां से भी आए हो, किसी भी छोटी जगह से निकले हो, कैसे भी हालातों में निकले हो, लेकिन सच्ची लगन हो तो आप इंटरनेशनल स्टार बन सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता. ये बहुत बड़ी बात है, इन दोनों की अचीवमेंट पर बहुत बहुत तालियां बनती हैं. सुशील, आप इतने ताकतवर हैं, आप अपना ध्यान रखते होंगे, जाहिर सी बात है पहलवानी करनी है तो खास ध्यान रखना पड़ता है. आपकी डाइट क्या होती है? वेजिटेरियन हूं मैं और अच्छा? जो मैस में खाना बनता है वही खाता हूं. अच्छा? जो सब जो हमारे 300-350 बच्चे हैं वो जो खाना खाते हैं मैं वही खाता हूँ. मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ अखाड़े में, तो वेजिटेरियन हूँ. वेजिटेरियन में कुछ नहीं है. तो आप वेजिटेरियन हो के भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं. इसमें जरूरी नहीं होता कि आप नॉन वेज की तरफ जाएं. तो आजकल हम लोग जानवरों के लिए कैंपेन कर रहे हैं. सो मेरा पाजी, आपने अपने केरल में स्ट्रे डॉग्स को वहां पे मारा जा रहा है. अच्छा. वो इसलिए मारा जा रहा है कि शायद उन लोगों का ऐसा मानना है कि स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए. पर बीइंग एनिमल लवर, मुझे या आप भी बहुत प्यार करते हैं तो, और आप सब भी एनिमल लवर हैं, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना चाहिए. और स्पेशली केरल जैसी जगह पे जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं और हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं जब भी हम लोग साउथ की बात करते हैं, खासतौर पे केरल की. सो जितने भी लोग अगर केरल में हमारा अगर ये शो देख रहे हैं तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि प्लीज, बिकॉज ये चंद लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बाकी मेजोरिटी में ये काम नहीं है. लेकिन अगर मेजोरिटी मिलके इस काम में, इस कैंपेन में हम लोगों के साथ आए तो मुझे लगता है बेजुबान जानवरों को बचा सकते हैं. तो बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है. सो उनके साथ ये ज्यादती ना करें प्लीज. थैंक यू सो मच. ओके, सुशील जी, सुरेश जी, आपके बहुत सारे चाहने वाले जो हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं. एक एक करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. जी जी मैडम. हेलो सिद्धू पाजी. हाय कपिल सर. हाय सुशील सर. हाय रायना सर. तो माय क्वेश्चन इज फॉर रायना सर. जी. आप तो बड़ा कमाल का क्रिकेट तो खेलते ही है, हम सब जानते हैं, बट वी नो वन ऑफ योर सीक्रेट्स दैट यू आर अ वेरी नाइस सिंगर ऑल्सो.
आप बहुत अच्छा गाते भी हो एंड मोर ओवर आपकी वाइफ ने आपको एक सैक्सोफोन भी गिफ्ट किया है आई एम श्योर कि आप उनके लिए जरूर बजाते होंगे प्लीज हमारे लिए भी कुछ बजा दे मैं आपके लिए गाना सुना सकता हूँ अगर आपका कोई फेवरेट दो लाइन है आप मुझे बता दीजिए मैं गा लेता हूँ सर यू कैन सिंग एज वेल एज प्ले सर प्लीज वी ऑल रिक्वेस्ट ये वाला छोला वो पक्का बजाओ ना बोल के जाओ इसको बंद पड़ी हुई है ये खोल के जा भाई तूती खोल भाई ये वाह यार वाह क्या बात है एक्टर नहीं अभी गाना दोनों फरमाइशें सुरेश आप प्लीज माइक पे दूसरे वाले माइक पे मुझे तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते क्या बात है जी रहना गाना मेरे वाला हाल है पहली लाइन याद उसके बाद ट्यून याद रहती है ओके एक और ट्राई किसी और गाने की फिर वो पूरा कुछ सुना था फिर थोड़ा दूर पूरा कुछ हाँ मुझसे नाराज नहीं अब छुट्टी दे दो इसको लिरिक्स की प्रॉब्लम है रैना की नहीं दो दो लाइन अभी अच्छी है मुझे याद है वो मैं प्रियंका को भी सुनाता हूँ आपको भी सुनाऊंगा हाँ और प्लीज इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर अभी भी दो हुई नहीं इतने तो मना लूंगा भाई ये कॉमेडी नाइट्स के ना आज तक के किसी भी क्रिकेटर के सबसे बेस्ट पल है मैं तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ क्या बात है सुरेश के लिए जोरदार ताली बजाएं भाई जो लिरिक्स की बात है लेकिन बंदा सुर में तो है तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए जी और कोई मेरे दोस्त वाह हरियाली हरियाली और रास्ता हेलो सिद्धू भाई सर हेलो हेलो कपिल सर क्या बोला उनको हेलो सिद्धू भाई सर हेलो सिद्धू पाजी सर हेलो सिद्धू पाजी सर हेलो हेलो सिद्धू सर चल रहा है मेरी लॉकी चलो बोलो आगे हेलो कपिल सर हेलो हेलो रहने सर हेलो सिद्धू सर हेलो तेरा सबसे हो गया तू बोल आगे रहने सर आप आपसे मेरा एक सवाल है सर ठहरो पहले ऐसे करो सामने दादर हॉस्पिटल में जाके ग्लूकोज लगाओ पहले तो रहने सर आप आपसे मेरा एक सवाल है मैंने आपका भी सेल्फी देखा तो जो टाइटैनिक पिक्चर है टाइटैनिक पिक्चर है ना वो जो ऊंचा बोलिए आप चाहे ऊंचा बोले चाहे नीचा बोले पश्तो बोल रहा पश्तो वो जो आपने पोजिंग किया ना सर पोजिंग सर ने पकड़ा ना आपको ऐसे हाँ वो मैं आपसे करना चाहता हूँ सर आप याद हो तो मैं आ सकता हूँ सर आ जाओ हेलो कपिल सर क्या हाल कैसे आप ठीक हो हाँ सर ठीक चलो आओ भाई एक मिनट में कहाँ ले जा रहे हो अब हाथ करना है नीचे ये टाइटेनिक है डूब रहा है ठीक है हाँ तेरी गुदगुदी होगी गुदगुदी ये तो पाजी फांसी पे लटक रहा है हाथ नीचे कर
मैं थोड़ा प्यार फील कर, प्यार मेरे साथ प्यार भी, मेरी शादी हो चुकी है, थोड़ा फील कर, आंखें बंद कर, जिसको तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके बारे में सोच, आंख ऊपर कर ये ना, ये तो सुरेश तो प्यारा इंसान है, तो ऐसे उनके साथ कर रहा था, ऐसी बंदे की ऐसी गर्लफ्रेंड हो ना जहाज पे तो तेरे धक्का दे देखिए जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। ओ नीलोफर मोहतरमा। हेलो सिद्धू जी। हेलो। हाय कपिल। हेलो जी। हाय सुरेश। हेलो। नमस्कार सुशील जी। ऐसा लग रहा है बाजार में खड़ी होकर आवाज मार रही हो दूर से। एक कॉमनवेल्थ मेडल विनर से मैं बहुत सारी चीजें कॉमन में रखती हूँ, वो ये है कि आप भी हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ। ठीक है जी। जी मैम। आप भी शाहरुख खान के फैन हैं, मैं भी शाहरुख खान की फैन हूँ। ठीक है जी। मैंने सुना है आपने डीडीएलजे बहुत बार देखी है, और मैंने भी डीडीएलजे बहुत बार देखी है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है जी। मैं चाहती हूँ कि आप शाहरुख खान स्टाइल में रोमांटिक सा कोई डायलॉग बोलिए। ये ठीक नहीं है जी। अगर घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, मैं हूँ ना। मैंने ना सही बताऊँ मैं आपको कि मैंने फिल्म आज तक हॉल पे एक फिल्म देखी है मैंने, मेरी कॉम। हाँ वही देखी है, और कोई फिल्म देखी ही नहीं है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी? नहीं देखी जी। सिद्धू जी झूठ बोले, आप झूठ बोले। एक चीज ना बताऊं जी, मैं थोड़ा सा मुंह फट सा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन सुशील मुझे आपसे एक वादा चाहिए जी। मेरी फिल्म आ रही 25 सितंबर को जी, वो पक्का देखूंगा बॉस, वो इसलिए देखूंगा मैं जी, वो इसलिए देखूंगा बॉस। मैं धन्यवाद भी आपको देना चाहूंगा कि आप, मैं एक चीज बाबा रामदेव जी को बहुत मानता हूँ, और उनको मैं बोल भी देता हूँ कि आपकी वजह से देश में योग आया है, और लोग घर से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ है, और लोगों ने अपना शरीर को फिट किया है, और आपकी वजह से देश ने हंसना सीखा है। तो आपकी ये फिल्म पक्का देखूंगा, पक्का देखूंगा 25 सितंबर को। पक्का बॉस, पक्का देखूंगा। कोई और ना देखा ना जी। अच्छा तो अपनी जो फिल्म आपने थिएटर में देखी एक लौटी, उसका कोई डायलॉग ही सुना दीजिए। मुक्के वाले हैं जी, मुक्का पड़ेगा क्या फायदा। मुक्के वाले ही है सारे उसमें, कोई ऐसा है नहीं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी जी जी, जी सर माइक ले लीजिए सर। बुजुर्गों के लिए ताड़ियां यार, कमाल है। मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, जो आप सोच भी नहीं सकते कितना बुजुर्ग हूँगा, और हंसते हंसते मेरा गला हो गया। अच्छा, तो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि इस शो के लिए, जो कि इतना इतना अनोखा है, अद्भुत है, हमने कभी सोचा नहीं अपनी उम्र में, तो इस वक्त भारत में आप एक इंसान हैं जिसको मैं अकेला समझता हूँ, जिसका कोई सानी नहीं है, और एक मैं हूँ जिसका भी कोई सानी नहीं है, क्योंकि मैं जो आपके लिए तोहफा लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ, वो भी आप में से किसी ने कभी न देखी होगी, न सुनी होगी, न पढ़ी होगी, न सोची होगी, न सूंघी होगी जी। ऐसी चीज क्या हो सकती है? मैं चाहूंगा कि स्टेज पर आके आपको दिखाऊं। जी जी प्लीज सर। आइए सर। आप कौन सी जगह से आए सर? मैं तो सारी दुनिया घूम चुका हूँ। अच्छा जी। और मेरा कोई घर बार नहीं है, कोई गांव नहीं है, क्योंकि मैं
पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा, जबकि बंटवारा हुआ था। अच्छा, 1947, जहाँ कोई आदमी नहीं हुआ जिसने बंटवारा देखा सुना है, उसके बारे में पढ़ा हुआ इतना जो मेरे हार्ट में है। तो ये तस्वीर जो है, थैंक यू सर। क्या गिफ्ट है सर? अभी दिखाएंगे कुछ तो। वाओ यार, कमाल कर दी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है सर, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर आपके प्यार के लिए। अच्छा, इसमें हमारे कॉमेडी नाइट्स के जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग आप पाजी, पाजी देखिए अभी आपकी फोटो नजर आएगी। क्या बात है। लव यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, और आप बहुत ही दिलचस्प इंसान है सर, मजेदार है। Can I place this on my set only? मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन हम ये हमेशा अपने सेट पे लगा के रखेंगे सर। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं यहाँ रख देता हूँ बाद में, पर आपसे बातें करके बड़ा मजा आया सर। अरे सुशील कुमार जी बैठे हुए हैं, हाउ आर यू? या ठीक हो जी। ओके ओके। अरे सुरेश रैना भी हैं। ओके रैना से दूर ही रहना, उसकी अभी भी शादी हुई है। तो क्या हो गया, क्रिकेटर हैं, इनमें तो सेकंड इनिंग चलती है। सुशील जी, आप ओलंपिक में इंडिया के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए। आप चाहते तो इतना बड़ा मुक्का आपका मार के किसी का भी गोल्ड मेडल छीन सकते थे आप। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रही, हम तो बराबर ही हैं, मैं आपसे बड़ी कैसी हुई? किसने कहा है तू बड़ी उनसे? मेरे पापा ने कहा है। मेरे पापा कहते हैं बड़ी सुशील है तू, बड़ी सुशील है। तेरे चाचा भी तो कहते हैं तू बड़ी मनहूस है। पापा की बात चलती है, चाचा मत जाओ प्लीज। ओके, पता है जी, मेरे पापा भी पहले कुश्ती करने जाते थे। हाँ, करी क्यों नहीं? उनके पास लंगोट नहीं था। ना उनका कोई लंगोटिया यार भी नहीं था जिसका लंगोट वो मांग के बैठ गए। बुद्धि, तू यहाँ अपनी फैमिली का लंगोट खोल ले आई है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ भी आई हूँ रैना जी से कहने आई हूँ कि रैना जी मैं आपकी ना टांगों की वैक्सिंग कर देती हूँ। ये क्यों वैक्सिंग कराएंगे? लड़के हैं, लड़के थोड़ी ना कराते हैं वैक्सिंग। मुझे चिकने लड़के पसंद है। ओके सुशील जी, देखिए बात सुनिए, मैं पहले आप ही कर देती, कोई बात नहीं। अरे मेरी तो रहने दो। नहीं नहीं, अरे रहना भाई, तो रहना भाई। अरे आप नंगे ज्यादा रहते हो ना, आप ही कर देती हूँ। चलो शुरू करते हैं। स्टॉप, ये वैक्सीन नहीं करने का, समझे ना? तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? तो मैं क्या करूं? अरे बाबा, मैंने भी दिया, मगर मैं चिल्लाती नहीं तुम लोगों जैसे, समझे ना? किधर भी छोकरी देखी ना सेक्सी हॉट, लाइन मारना चालू तुम लोग का। आइला काए काए सुशील रहे ना? दो खिलाड़ी ऑन साइड में, तीन खिलाड़ी ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कोर्ट मिड ऑन मिड ऑफ, विकेट के बिल्कुल नजदीक खड़ा हो, डीप इन गली, दो नजदीक बुला लिया, विकेट कीपर को थोड़ा नजदीक घिरा रहे, बाउंड्री लाइन पे चार खिलाड़ी तो मौजूद है। जबकि देख रहा हूं अगली बॉल फेंका सुरेश रैना ने, खूबसूरत ड्राइव किया, बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए।
अरे वाह, मैं पहले क्रिकेटर थी। पाजी ये कौन है? इनको नहीं भेजा ना आपने? नहीं, इस संगा कारण ने इसी की वजह से लिया ना सन्यास। कुछ भी नहीं बोलने का, समझा क्या? और तू क्या ऐसा हंसती बकरी के जैसे ही? संगकारा ने मेरी वजह से सन्यास नहीं लिया। अच्छा, मेरी वजह से महिला जयवर्धने ने सन्यास लिया। ओ, इधर वैक्सीन मैं करेगी क्योंकि मैं मेहनत मजदूरी की खाती है। हाँ, तो तेरा मुंह ही फावड़े जैसा मजदूरी करके खाएगी। भगवान ने 2 किलोमीटर लंबे दांत दिए, जाके कुआं खोदो। और एक सुरेश ने काम करना, उसमें से जो मिट्टी निकले ना कुएं से, उसको खा लेना। तेरा यहाँ भी ना, तेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ सब लोग मेरे से वैक्सीन कराने के लिए आए। ओके, बढ़िया ही। वैक्सीन मैं करने वाली है, समझा क्या? उनको वैक्सीन में इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर्स है, उनको मसाज का शौक है। ओके, ठीक है, तो फिर कर दो मसाज। ये क्या कर रही हो तुम लोग? मसाज। अरे बाबा, हम लोग का डीलिंग वेल है। पहले ये लोग हम लोग का मसाज करेंगे, बाद में हम लोग इनका वैक्सीन करेंगे। अरे रैना, इधर थोड़ा पीठी खुजा ना, मेरा हाथ जाता नहीं। क्या तुमको मजा भी आएगा? अरे रहने दो, तुम्हारे हाथ में डैंड्रफ हो जाएगा। रहने दो मसाज करने को। 15 दिन से नहा ही नहीं है ये। क्या कुछ भी बोलती, 15 दिन से। ये गाना क्यों गाती है बीच में? समझे ना, 15 दिन से जो नहीं नहाएगा ना, उसकी बॉडी से बास आता है। मेरे को सिर्फ 12 दिन हुआ है, मैं 3 दिन एंजॉय कर सकती है। अरे यार, ये हम लोगों ने क्यों बताया मसाज के बारे में? अब तुम मुझसे कराएंगे भी नहीं वो। ओहो, कोई बात नहीं, मैं आपकी फुट मसाज कर देती हूँ। ये रहा फुट, बताइए कितने फुट मसाज करनी है? अरे बाबा, ऐसे करते क्या फुट मसाज? तो फेड़ी होगी लिए। तो फिर कैसे करते हैं? इधर हमें बोलते हैं, मैं इधर फुट दे। ये ले फुट। हाँ, ये फूट है और ये मसाज है। अरे मैं तेरा फेशियल कर देती हूँ। तेरे फेस को जरूरत भी है। ओके? मेरे को फेशियल नहीं होगा, मेरे को जमता नहीं। अभी जमेगा तुम्हारा। तो ऐसे कर। हाँ। ऐसे लग रहा है लस्सी में डुबा हुआ कौआ है। एक बार सुरेश रैना और सुशील कुमार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बाजी। हमें पता है आप लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों को हंसता हुआ देख के हमारे दिल में भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई सर। और ये दोनों हमारे देश का गौरव है और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ भविष्य में होने वाले जितने भी आपके मैचेस हैं, आपकी जितनी भी कुश्तियां हैं, आप हमेशा अपने देश के लिए अच्छा अच्छा करते रहें और नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल लेके आए और वर्ल्ड कप जीत के लाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरेश, ऐसा कम होता है सुशील कि आप ऐसे बहुत कम टीवी शोज में जाते हैं और ऐसे अपने फैंस के साथ रूबरू होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो आप भी और आप भी सर। इतना ही बोलना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, कोई ना कोई ऐसी चीज है हमारे आसपास जो हमेशा उस चीज की उसको रिवॉर्ड मिलेगा। वो सिर्फ मेहनत करते रहो, एंजॉय करते रहो और प्यार बांटते चलो। मैं कपिल भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे बुलाया, क्योंकि मैं बहुत कम निकल पाता हूँ और आपके शो में आके बड़ा एंजॉय किया मैंने। और मैं जितने भी लोग आज इस शो को देख रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ में कहूँगा, आप लोग भी
जो आपके गुरु हैं, आपके माता पिता हैं और जो आपके साथी हैं, उनको उतना ही प्यार दें और अपने माता पिता का और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर जीवन में आगे बढ़ें और जीवन में आगे बढ़कर देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। बहुत 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 खूब। और आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, आप जहां काम करते हैं वहां सफाई रखें, खुश रहिए, खुश रखिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.